हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल जेकेपी आईटीआई जेकेपी में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आज सेकंड मॉडल पेपर का वीडियो लेके, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो है हमारा फॉरवर्ड रिवर्स नियंत्रण परिपथ का आरेख। फॉरवर्ड रिवर्स आपको फिर से ध्यान रखना है एक बार, फॉरवर्ड और रिवर्स का है यानी उल्टा सीधा चलाने के लिए है। फॉरवर्ड रिवर्स का है ये। तो इस ये भी जो क्वेश्चन जो है 10 से 15 नंबर में आता है। अरे ओनली कंट्रोल पर्पज है, ना कि पावर पर्पज, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है इसको। सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों DOL स्टार्टर, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको तो आसानी से चार चार बार आपको बनाकर देखना है, क्योंकि अधिकतम चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। तो दोस्तों, इसको अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इसको बनाने में, तो आप, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको बनाना अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 पॉइंट स्टार्टर, आपको ध्यान देना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और इसमें मैं बता रहा हूँ 4 पॉइंट। तो आपको मैंने DC का टोटल 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 स्टार्टर करा दी, बता दिए हैं आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। तो दोस्तों, पेपर आ जाने के बाद मैं आपको मिलाऊंगा भी कि मेरी वीडियो में बताएगा कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और जितना भी वीडियो मैं बनाऊं, और आप हमारे सभी, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इन क्वेश्चनों के बारे में पता चल सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है जीने की वायरिंग यानी कि सीढ़ी की वायरिंग। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जीने की वायरिंग बनाना। और अगर सीढ़ी की वायरिंग टू वे स्विच का प्रयोग आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और इस तरीके से बना सकते हो, तो आप बेहतर होगा कि आप इस तरीके से बनाएं। तो एक है टू वे स्विच का संयोजन होता था, टू वे स्विच ही सीढ़ी की वायरिंग में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, इसका प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, इनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि इन दोनों के भी आने के चांस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं इस बार। इनको भी अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो मैंने इनका भी वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आपको वहाँ से इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद देखना है आपको न्यून लैम्प, सॉरी हेलोजन लैम्प। हेलोजन लैम्प को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो दोस्तों, ये हेलोजन लैम्प है, मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मिस ना हो। तो दोस्तों, ये वाला जो है हेलोजन लैंप है, और इनके नाम भी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे फिलामेंट, नैरो ट्यूब और कनेक्टिंग लीड। तो इनका भी नाम आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद है सिंगल केज रेटर और डबल केज रोटर। तो इन दोनों रोटरों को भी आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि इनके भी आने के चांसेस हैं बिल्कुल है। और फिर इसके बाद आ रहा है हमारा एक मोटर है, हमारा स्लिप रिंग मोटर संयोजन। तो स्लिप रिंग मोटर संयोजन भी आ सकता है, और स्क्रल केज मोटर भी आ सकता है। तो स्क्रल केज मोटर में आपको ओनली मोटर बनाना है, अगर स्लिप रिंग रोटर मोटर के संयोजन पूछा, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। दोस्तों, एक बार मैं फिर बता दूँ आपको कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर है और एक DOL स्टार्टर, इन दोनों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पाँच मैंने ट्रांजिस्टर बता चुका हूँ, और एक दो डायोड है, इनको भी आपको बहुत अच्छे से रटना है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिर से कर लीजिए।